पांडव अपने वनवास के 12 वर्ष पूरे कर चुके थे और अज्ञातवास का एक वर्ष बाकी था। एक दिन जब वे वन में घूम रहे थे तो उन्हें प्यास सताने लगी। अब और नहीं चला जाता, प्यास से गला सूख रहा है। पांचाली, तुम यहाँ बैठो और सहदेव, जरा तुम इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखो, कहीं आसपास कोई जलाशय दिखाई दे जाए। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहदेव वृक्ष पर चढ़ गया और कुछ देर बाद वो नीचे उतरा और बोला, भ्राताश्री, वहाँ कुछ दूरी पर पेड़ पौधे और बगुले उड़ते दिखाई दे रहे हैं, अवश्य ही वहाँ कोई जलाशय होगा। प्रिय नकुल, तनिक जाकर थोड़ा सा जल ले आओ, जो आज्ञा भ्राताश्री। नकुल जल की तलाश में चला जाता है, उसे एक सरोवर दिखाई देता है। नकुल सरोवर में से जैसे ही जल पीने लगता है, अचानक उसे एक अदृश्य आकाशवाणी सुनाई देती है। ठहरो, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम इस सरोवर का जल नहीं पी सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जल पीने के लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। नकुल उस आकाशवाणी पर ध्यान नहीं देता, वो जैसे ही उस जल को पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नकुल के आने में विलम्ब होते देख युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, पर नकुल की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। सहदेव ने आकाशवाणी की बातों को नहीं माना और उसने भी जल पी लिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भ्राताश्री, कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हों? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों की तलाश में जाता हूँ। ठीक है अर्जुन, किंतु शीघ्र लौटना। अर्जुन सरोवर के पास पहुँचता है और अपने दोनों भाइयों को मृत अवस्था में देखता है तो वो क्रोध में आ जाता है। मेरे भाइयों को किसने मारा है? कौन है? मेरे सामने आओ, किस में इतना साहस है? तभी एक यक्ष प्रकट होता है। द्रोण शिष्य अर्जुन, मैंने तुम्हारे भाइयों को मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने से मना किया था, पर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। वे दोनों प्यासे थे और जल पर सबका अधिकार है। तुम होते कौन हो रोकने वाले? मैं अभी इस जल को पीकर दिखाता हूँ। रुक जाओ अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तुमने भी इस जल को पिया तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन ने भी यक्ष की बात नहीं मानी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भीम ने भी क्रोधवश यक्ष की बात नहीं मानी। चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अंततः युधिष्ठिर चिंतित हो गए और स्वयं जलाशय के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके सभी भाई मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। अपने भाइयों की ये दशा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इस सरोवर में ही कुछ है? मुझे इस जल को पीकर देखना होगा, मेरे भाइयों की हालत ऐसी क्यों हुई, मुझे ये जानना होगा। ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम इस सरोवर का जल नहीं पी सकते। ये देव, कृपया अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? ए युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही जल लेना, किंतु वे नहीं माने और उसका ये परिणाम हुआ। यदि तुम्हें भी जल पीना और ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दे सकूं। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता में, यश का मुख्य स्थान दान में, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य में है तथा सुख का मुख्य स्थान शील में है। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म ना करना आलस्य है। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को। लज्जा क्या है? न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? अराजकता। ए राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व का प्रमाण सिद्ध नहीं करते, चरित्र ही ब्राह्मणत्व का प्रमाण सिद्ध करता है। धर्म क्या तर्क में है? नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती, उनमें मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं। तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति के हृदय की गुफा में। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी वो यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का सत्य मृत्यु नहीं। परम श्रेष्ठ, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए हैं, इसलिए इन चारों भाइयों में से किसी एक को चाहो
तो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से केवल एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। हे कुंती नंदन, तुमने भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर नकुल को ही जीवित करने की इच्छा क्यों प्रकट की? हे यक्ष, मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के प्रति सम्मान भाव रखता हूँ, इसलिए मैं यदि भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। माता कुंती के तीन पुत्रों में से मैं तो जीवित हूँ ही, इसलिए मैं माता माद्री के दो पुत्रों में से एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों में से यदि केवल एक ही जीवित हो सकता है तो मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यदि माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए। यदि मैं कहता कि तुम्हारे दो भाई जीवित हो सकते हैं, फिर तुम क्या कहते? हे यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों से ही छोटा है। तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया है भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे भरत वंश का गौरव हो। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूँ। युधिष्ठिर के चारों भाई जीवित हो जाते हैं और यक्ष को धन्यवाद करते हैं। भगवान, यक्ष तो आप हैं नहीं, क्योंकि यक्ष जीवन दान नहीं दे सकते। आप तो कोई देव श्रेष्ठ ही हो सकते हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। युधिष्ठिर के इतना कहते ही वे यक्ष एक देवता के रूप में आ गए। हे युधिष्ठिर, मैं धर्मराज हूँ और मैं यहाँ तुम्हें ही देखने और तुम्हारी नीति और धर्म की परीक्षा लेने आया था, जिसमें तुम सफल हुए। हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। हे धर्मराज, मैं और मेरे भाई सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहें, बस इतना ही वर दीजिए। अवश्य ऐसा ही होगा, पर तुम कुछ और भी मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो पुत्र। हे भगवान, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम एक वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं, अतः आप ये वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में मैं कोई भी न पहचान सके। ऐसा ही होगा, एक वर्ष के अज्ञातवास में तुम इस त्रिलोक में कहीं भी जाओ, कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। इसके पश्चात धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर अपने भाइयों को गले लगा लेते हैं और आगे का मार्ग तय करते हैं। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। ये सूचना मिलने पर पांडवों सहित द्रौपदी ने भी परलोक जाने का निश्चय किया। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर नरेश और कर्ण पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित कर पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। ये देख अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भ्राताश्री, ये कुत्ता भी हमारे साथ साथ चल पड़ा है, शायद ये भोला भाला जीव भी हमारे साथ आना चाहता है। कोई बात नहीं, इसे भी साथ ले लेते हैं। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे उससे सच्चा सहयात्री कोई नहीं। फिर पांडव भगवान शिव की स्तुति कर आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में पांडवों पर प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। हे भोलेनाथ, हे भंडारी, स्वर्ग का मार्ग बताने में हमारी सहायता कीजिए। स्वर्ग तक का मार्ग तय करने के लिए हर भाव, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंच तत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म रह जाता है, तो ही ये मार्ग दिखता है। भगवान शिव द्वारा बताए मार्ग पर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे और आगे का मार्ग दिखने लगता है। जैसे ही पांचों पांडव उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी की देह उसका साथ छोड़ देती है। द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, सभी लोगों में से पहले द्रौपदी ने ही अपनी देह को क्यों छोड़ा? द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे ही आगे बढ़ गए। चलते चलते इसके बाद नकुल की देह ने उसका साथ छोड़ दिया। भ्राताश्री,
आज नकुल का साथ भी छूट गया, नकुल क्यों गिर पड़ा? भीम, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी ये गति हुई। कुछ समय बाद सहदेव भी नीचे गिर पड़ा। तब भीम ने युधिष्ठिर से उसके गिरने का कारण पूछा। भ्राता श्री, सहदेव के गिरने का क्या कारण है? भ्राता भीम, सहदेव किसी को भी अपना जैसा श्रेष्ठ विद्वान नहीं समझता था, इसलिए आज उसके साथ ऐसा हुआ। सहदेव के बाद अर्जुन की देह ने उसका साथ छोड़ा। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था, वो अहंकार को नहीं त्याग पाया, इसलिए वो अंत को प्राप्त हुआ। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे चल पड़े। आगे बढ़ते हुए भीम और कुत्ता एक खाई में गिर पड़े। भीम ने युधिष्ठिर को पुकारा कि मुझे बचाइए, फिर भी युधिष्ठिर ने कुत्ते को बचाया। भीम ने उसका कारण पूछा तब युधिष्ठिर ने कहा, क्षमा करना भीम, तुम महाबली हो, अपनी सहायता करने में सक्षम हो, किंतु ये भोला कुत्ता अपनी सहायता नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसे बचाया। मैं समझ गया भ्राता श्री, मेरा अंत आ गया है, लेकिन मैं अपने अंत का कारण जानना चाहता हूँ। भीम, क्रोध ही तुम्हारे अंत का कारण है। तुमने क्रोध में उनके भी प्राण ले लिए थे जिन्होंने कोई दोष नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारी ये गति हुई है। युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा उस कुत्ते के साथ पूरी की। स्वर्ग के द्वार पर उन्हें यमराज मिले, जिन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आप इस कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, ये पूरे रास्ते मेरे साथ चला है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर उस काले कुत्ते ने अपना असली रूप धारण किया, जो धर्मराज यानी यमराज का रूप था। युधिष्ठिर, तुम काम क्रोध लोभ मोह सबसे विरक्त रहे, इसीलिए तुम सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। तुम्हारे भाई और पत्नी अपने गुण अवगुण और शक्ति का मद नहीं छोड़ पाए, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचने में असफल रहे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के अंदर ले गए। वहाँ उन्होंने कौरवों को तो देखा, लेकिन कहीं भी अपने भाई पांडव नजर नहीं आए। युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण समेत उसके सभी भाई नर्क में हैं। युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, ये आपको आपके भाइयों के पास पहुँचा देगा। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, सभी ओर लाशें थी जिससे दुर्गंध आ रही थी। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे, वो असीपत्र नामक नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, हे देवदूत, कृपया करके बताइए हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है, और मेरे भाई कहाँ हैं? यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर लौट रहे थे तब उन्हें उनके भाइयों की आवाज सुनाई थी। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा, हे देवदूत, तुम पुनः देवलोक वापस लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। यदि मेरे भाइयों ने अनीति की है तो उसका कारण मैं हूँ। ज्येष्ठ होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने भाइयों को उचित मार्ग दिखाऊं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जहाँ मेरा परिवार रहेगा वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। देवदूत ने सारी बात जाकर धर्मराज को बता दी। फिर कुछ क्षण पश्चात धर्मराज भी युधिष्ठिर के पास आ गए। युधिष्ठिर ने धर्मराज से पूछा, हे यमदेव, ये सब क्या है? आपने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, इसी परिणाम स्वरूप आपको भी छल से ही कुछ समय नरक के दर्शन करने पड़े। पांडवों का नरकवास और कौरवों का स्वर्गवास कुछ समय के लिए ही है, ये उनके कर्मों के रूप में उन्हें दिया गया है। कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था जिसकी वजह से उसे नरक भोगना पड़ा। भीम और अर्जुन ने धोखे से दुर्योधन की हत्या की। नकुल और सहदेव ने उनका साथ दिया जिसकी वजह से उन्हें भी नरक में आना पड़ा, जबकि कौरव अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह अपने प्राण भी त्यागे।
इसलिए अपने इस सुकर्मों के लिए दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को कुछ समय के लिए स्वर्ग में रखा गया था। अपने कर्मों के अनुसार आपके भाई नरक को भोगकर स्वर्ग लोक आ गए हैं। अब आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए, जहां आपके भाई और अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र के कहने पर देव नदी में स्नान किया। स्नान करते ही युधिष्ठिर ने मानव शरीर त्याग कर देव शरीर धारण कर लिया। इसके पश्चात युधिष्ठिर स्वर्गलोक में अपने चारों भाइयों से मिले। उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रहे हैं। युधिष्ठिर को आया देख भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह ही अपना बलवान शरीर धारण किए वायुदेव के समक्ष बैठे हैं। कर्ण को सूर्य के समान रूप धारण किए देखा। नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि जो साक्षात देवी लक्ष्मी देख रहे हो, इन्हीं के अंश से द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को महाभारत में मारे गए सभी वीरों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने सभी संबंधियों को स्वर्ग में देखकर बहुत खुश हुए।